न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। नमस्कार, न्यूज धमाका लाइव आप सभी का स्वागत है। खबर जमशेदपुर से। शहर में अपराधी तांडव मचा रहे हैं और पुलिस दुर्गा पूजा को लेकर विधि व्यवस्था दुरुस्त करने का दावा कर रही है। शायद ही नहीं होगा, उस दिन शहर में हत्या गोली चालन जैसी घटनाएं घट रही है। ताजा मामला परसों थाना क्षेत्र का है, जहाँ शुक्रवार देर शाम बेलगाम अपराधियों ने शराब कारोबारी विजय साहू की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही परसों थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक नामोटोला में किराए के मकान पर रहना था। शुक्रवार देर शाम विजय अपनी स्कूटी से घर तक पहुंचा और दरवाजा खोलने का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान चार पाँच की संख्या में आए बाइक सवार हथियार बंद अपराधियों ने उसे गोली से भून डाला। हालांकि आनंद पटना में उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि विजय ने दो शादियां की थी, वर्तमान में वह अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। गेट खोलो, तब तक गोली का आवाज सुनाई दिया। हम लोग नीचे पहुँचते पहुँचते पलटी हो गई गाड़ी में। अच्छा, क्या नाम था उनका? विजय सर। मुझे स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, ये विजय कुमार साव नाम के व्यक्ति को गोली मारी गई यहाँ पर अभी 4 घंटे पहले, तो अभी इस पे पुलिस छानबीन कर रही है। पहला दृष्टया क्या लग रही है सर? प्रथम दृष्टया देखिए, ये लोग जैसा लोगों को पता चल पा रहा है कि ये शराब वगैरह की बिक्री करता था, जिसको लेकर कुछ हो सकता है आपस में पहले में विवाद रहा होगा। अभी हम लोग जांच में जुटे हुए हैं, कुछ सुराग मिले भी हैं लोगों को, हम लोग देखते हैं। कितने बजे की सर घटना है? ये घटना बिल्कुल अभी से आधे घंटे पहले ही घटना है। विजय जी क्या करते थे? विजय ये जैसा इनकी पत्नी, ये असल में दूसरी शादी है इनकी यहाँ पर, पहली पत्नी इनकी वहाँ पे शिव मंदिर परसूड़ी में है, ये इसकी दूसरी शादी है। ये लोग रेंट के मकान पर यहाँ पर रहते थे और हालांकि जो लैंडलॉर्ड है, लैंड लेडी जो है, वो रहती है सुंदरनगर में, तो इस बार हमें उनसे भी थोड़ा सा तफ्तीश करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या क्या काम आए। कौन लोग पता चल पाया है? नहीं, अभी तो पता नहीं चल पाया है, बाइक से ये लोग फायरिंग करते भागे। देखेंगे तो सीसीटीवी कैमरा आपको सामने दिख रहा है, देखने के बाद ही पता चलता है।